बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम सत्य नारायणा चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर और आज की वीडियो का टॉपिक है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए हमने पिछली वीडियो में वो जरूर देखिएगा मेरी पिछली वीडियो जिसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड देयर आई टोल्ड यू कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है चार तरह के स्ट्रक्चर है प्रोटीन के जो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में वी टॉक अबाउट एंड टू एंड लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड। सो फॉर एग्जांपल आई हैव दिस अमीनो एसिड देन दिस अमीनो एसिड एंड इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम आई एम ड्रॉइंग फोर अमीनो एसिड्स और इन चार अमीनो एसिड्स के बीच में देयर इज वन पेप्टाइड बॉन्ड सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड एंड थर्ड पेप्टाइड बॉन्ड। सो देयर थ्री पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड फोर अमीनो एसिड। तो ये जो अमीनो एसिड्स का प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर है लीनियर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंड नाउ व्हाट हैपेंस कि देयर इज फोल्डिंग सो द कॉन्फर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन यानी ये जो चेन है स्ट्रेट चेन इसमें फोल्डिंग होती है और इस फोल्डिंग के प्रोसेस को या ट्विस्टिंग के प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। द अमीनो एसिड्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर इन देयर सीक्वेंस एंड टू टाइप्स ऑफ फोल्डिंग्स अगर जो अभी आज की वीडियो में मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है वो है अल्फा हेलिकल यानी अल्फा हेलिक्स फोल्डिंग एंड द अदर वन इज नोन एज बीटा शीट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सो आई विल टेक यू बैक टू दिस प्रिलिमिनरी डायग्राम जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी जब प्रोटीन स्ट्रक्चर प्राइमरी में आपको करा रहा था कि व्हेन इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर दिस इज व्हाट वी कॉल द प्राइमरी स्ट्रक्चर। नाउ यू सी हियर देयर इज फोल्डिंग। ओके तो ये फोल्डिंग वाला चीज आज हम डिस्कस कर रहे हैं दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कॉलिंग वी कॉल दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड देन नेक्स्ट वीडियो में वील ऑब्वियसली टॉक अबाउट थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग विच इज कॉल्ड टर्शियरी एंड देन डिफरेंट सब यूनिट्स विच इज कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। This is what we have to focus today, the folding. और मैंने अब तक आपको सिर्फ इतनी बात बताई कि जो folding है वो दो तरह की है. There is alpha helix and beta sheet. Okay, we'll talk about them in a little detail. So, Indian scientist called Ramachandran made a significant contribution in understanding the special arrangement of polypeptides. So that's a very well deserved acknowledgement here because Ramachandran. आज भी जब हम protein structures को discuss करते हैं, we talk about Ramachandran plots because he did great contribution in understanding the structures of protein. Okay, so let's talk about the alpha helix. What is alpha helix? It's the most common spiral structure of the protein. It has a rigid arrangement of polypeptide chain. Alpha helical structure was proposed by Pauling and Corey back in 1950s, which is regarded as one of the milestone in the biochemistry research. The salient features of alpha helix are given below. So, what basically we mean by alpha helix is you look at this diagram, and this is called a right-handed alpha helix. So, simply stating it, कि जो linear protein का molecule था, now it is into different twisting forms. ठीक है? अब इसके क्या-क्या characteristics हैं वो हम देखते हैं. Number one. Alpha helix is a tightly packed coiled structure with amino acid side chains extending outward from the central axis. So if you look at the diagram here, ye jo patterns ban rahe hain folding ke patterns isme between so imagine this for example ke agar ye ek linear structure hota to ek amino acid aur dusre amino acid ka koi interaction nahi hai but when it turns, जब ये turn होता है तो इस amino acid के साथ interaction है. So because of this twisting, different amino acids are talking to each other. Okay, so that's an important point to understand. And the alpha helix is established by extensive hydrogen bonding, which is formed between the hydrogen atom attached to the peptide N and oxygen atom attached to the peptide C. So obviously, you know there are amino groups in the amino acid and carboxylic acid groups. So the hydrogen of the amino group and the oxygen of the carboxylic acid group, they kind of form the hydrogen bonding. So just DNA ka structure, aapko yaad hai na, usme hydrogen bondings hoti hain. This adds to the stability of the secondary structure. So ye bonding hai. For stability and the hydrogen bonds are individually they weak but collectively they make a very strong force. So agar aap ek bond ka mujhse puchein, so this may be a very weak bond, thode se temperature se ye break up ho jayega, lekin there are so many such hydrogen bonds in the secondary structure, so overall it's a very very durable bonding pattern. Teesra character hai ki all the peptide bonds except the first and the last in the polypeptide chain participate in the hydrogen bonding. So jahan ye process shuru hua hai, the first amino acid it does not make any hydrogen bond and the last amino acid jo termination par hoga wo dono amino acid participate nahi karte hydrogen bonding mein, baki har amino acid ek dusre ke sath hydrogen bond banata hai. So imagine kitni strong interaction hogi different amino acids ki.
then each turn of the alpha helix contains 3.6 amino acid and travel distance is perfect. This is exactly as DNA molecule. So, jab DNA molecule mein hum turns ki baat karte hain, suppose that's the structure of double-stranded DNA molecule. So, hum kehte hain ki ek turn se leke dusre turn tak kitne इसमें न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं. सो यहाँ हम एक टर्न की जब बात कर रहे हैं, सो डीएनए में तो 10 के करीब होते हैं, बट यहाँ पे 3.6 अमीनो एसिड. सो रफली अराउंड 3-4 अमीनो एसिड्स होते हैं हर एक टर्न में, और उसका डिस्टेंस इतना नैनोमीटर होता है. देन द अल्फा हेलिक्स इज स्टेबल कॉन्फर्मेशन फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली विद लोएस्ट एनर्जी. सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन विच इज मोस्ट स्टेबल इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन. इसको आसान अल्फाज में इस तरह से बयान कर सकते हैं. नाउ right-handed alpha helix is more stable than left-handed helix. So it basically depends upon aap turns yun le rahe hain ya turns yun le rahe hain, right-handed or left-handed. Okay, so this one is more stable as compared to the left-handed. All right, then certain amino acids, particularly proline, disrupts the alpha helix. The large number of acidic amino acids, aapko pata hai kaun kaun se hain, and basic amino acids, aapko pata hai kaun kaun se hain, they also interfere with the alpha helix structure. So now ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज. सो फॉर एग्जाम्पल एसिडिक अमीनो एसिड, सो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू दी यू नो दोज अमीनो एसिड्स विच आर नाइदर एसिडिक नोर बेसिक. इसी तरह जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, दे हैव डिफरेंट स्पेशल कॉन्फिगरेशन. तो ये याद रखने वाली बात है कि ये जो पूरा पैटर्न हेलिक्स का होता है, अक्सर एग्जाम में भी ये इस तरह से पूछते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. सो दे इंक्लूड प्रोलीन, एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड्स. ओके, तो ये है अल्फा हेलिकल पैटर्न. एंड देन वी हैव अनदर पैटर्न ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज बीटा प्लीटेड शीट. इज द सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय पॉलिंग एंड कोरे, सेम साइंटिस्ट्स. बीटा प्लीटेड शीट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सेगमेंट्स ऑफ फुली एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, रादर देन फोल्डिंग लाइक दिस, दे आर प्रेजेंट just as sheets. कि एक polypeptide chain है, उसके बाद दूसरी polypeptide chain है, फिर तीसरी. So they are like एक sheet के ऊपर दूसरी sheet, एक paper पे दूसरा paper रखा हुआ है, तीसरा paper रखा हुआ है. इस तरह का arrangement कहलाता है beta pleated sheet. In the beta sheets, the hydrogen bond are formed between the neighboring segments of the polypeptide chain. So if you look here, this dotted line is indicating the bonding. Okay. पैरेलल एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट्स, ये दो अलग अलग तरह की चीजें हैं. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, एक पॉलीपेप्टाइड शीट ये है, एक पॉलीपेप्टाइड शीट ये है, एक पॉलीपेप्टाइड शीट ये है. इन सब की डायरेक्शन ये है, एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल. लेकिन ये जो अरेंजमेंट है, इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन इज इन दिस डायरेक्शन, द अदर पॉलीपेप्टाइड चेन इज इन दिस डायरेक्शन. सो वन ऑफ देम इज नोन एज पैरेलल शीट पैटर्न. And the other one is known as an anti-parallel sheet pattern. The polypeptide chain in the beta sheet may be arranged either in parallel or anti-parallel. जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, beta plated sheet may be formed either by separate polypeptide chains or a single polypeptide chain. So ये भी हो सकता है कि ये एक अलग polypeptide chain है, फिर ये दूसरी polypeptide chain है, ये एक अलग protein polypeptide chain है, and now they form beta plated sheet by hydrogen bondings. This is also possible कि एक ही chain हो और वो ये polypeptide ये twist होके इस arrangement में है, ये ट्विस्ट होके इस अरेंजमेंट. सो एक ही प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन है, बट इट इज अरेंज्ड इन अ शीट पैटर्न. सो बोथ एग्जांपल्स आर कॉमन. ओके, नाउ अकरेंस ऑफ बीटा शीट, मेनी प्रोटीन्स कंटेन बीटा प्लेटेड शीट्स, एज सच अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट आर कॉमनली फाउंड इन द सेम प्रोटीन स्ट्रक्चर. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की इसकी वैल्यू ये है कि अक्सर स्टूडेंट से मैं सवाल करता हूँ कि यार मुझे बताओ कोलेजन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अल्फा हेलिकल या बीटा प्लेटेड शीट या किसी भी प्रोटीन का. मैं आपको नाम दे दूंगा और पूछूंगा मुझे बताएं उसमें क्या होता है, अल्फा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट. तो ऑब्वियसली बच्चे उसमें से कोई चूज एंड पिक करते हैं. बास कहते हैं सर अल्फा बास, लेकिन टू बी ऑनेस्ट प्रोटीन, एक ही प्रोटीन में there can be some parts which are arranged in alpha helical pattern and there can be some parts which are arranged in beta plated sheet pattern. Okay, in the globular protein, beta sheets occur at the core of the structure. So this is what we will do when we discuss individual proteins. Alpha or beta plated sheet ke ilawa, there are some, you know, there are some other examples of secondary structure as well. So beside alpha and beta structures described above, the beta bends and non-repetitive secondary structures are also found in the protein. But since they are not very common, they are not much talked about. Okay, so point kya hai? Point ye hai ki we first talked about
लीनियर स्ट्रक्चर विच इज वॉट वी कॉल द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है ये फर्दर जब मॉडिफाई होता है तो या तो ये ऐसे स्पायरल टर्न्स बनाता है, इसे हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स सेकेंड स्ट्रक्चर, या ये जो है इस तरह शीट पैटर्न बनाता है, सो दिस इज नोन एज बीटा प्लेटेड शीट। और ये दोनों ही अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, दीज आर बोथ कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। फर्दर जब ये प्रोटीन मॉडिफाई होगी तो ये एक थ्री डायमेंशनल फंक्शनल प्रोटीन बनाएगी जिसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहेंगे, विच इज वॉट इज द टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर, इट वॉज अ सिंपल वीडियो। नाउ लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल, दैट्स वन डायग्राम जिस पर मैं वीडियो एंड करूंगा, ब्यूटिफुल डायग्राम। दिस इज वन पर्टिकुलर प्रोटीन, नाम क्या है डजेंट मैटर, बट लुक एट दिस एरिया, दिस इज अल्फा हेलिकल अरेंजमेंट, ये स्प्रिंग बनाया हुआ है इसने अल्फा हेलिक्स, लेकिन ये प्रोटीन यहां पहुंच गए, इसने बीटा प्लेटेड शीट बना दी, फिर अल्फा हेलिकल पैटर्न, फिर शीट बना दी। सो एक ही प्रोटीन में देर इज अल्फा हेलिकल पैटर्न एज वेल एज बीटा शीट पैटर्न, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस कि अ सिंगल प्रोटीन कैन हैव बोथ द स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ tertiary structure later on in a separate video. So all the very best, enjoy studying biochemistry, which to many of the students seem very very dry, but I welcome you at Dr. Asif Lectures, where we try to make things very simple, very easy, with the concept ki jab aap book padhne baithe hain to aapko aasani se wo cheez samajh mein aaye. So all the best, love you all.